हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक और न्यूमेरिकल लेके आए, जिसमें हम लोग करने वाले हाफ स्टार और ट्वेरिटी स्कोर कैसे कंप्यूट करते हैं या फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखने वाले। तो हम लोग डायरेक्टली सम की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग क्या बोला है, कंप्यूट अब एन अथॉरिटी स्कोर ऑफ वेव यूजिंग एडजेसेंट मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हम लोग को दिया है और के इक्वल टू थ्री, मतलब यहाँ पे तीन आइटरेशन हम लोग को परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जो मैट्रिक्स दिया है इसको ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को याद होगा ना, तो मैंने पेज रैंक वाला जो क्वेश्चन कराया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, ग्राफ से मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा उसका उल्टा करना पड़ेगा क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि 4x4 ये जो मैट्रिक्स है 4x4 का है, तो मतलब यहाँ पर चार नोड होंगे। तो हम लोग चार नोड को कंसीडर करते हैं, N1, N2, N3, N4। तो ये चार नोड हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अभी हम लोग ये मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं, ये N1, N2, N3, N4, N1, N2, N3, N4। ये सारे मैट्रिक्स हमारे एलिमेंट हो गए, 0 1 1 1, 0 0 1 1, 1 0 0 1, एंड देन 0 0 0 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टॉप से हम लोग लेफ्ट की तरफ जाते हैं। N1 N1, मतलब N1 से कोई यहाँ पे जो वैल्यू है ना, जीरो है, मतलब N1 से कोई भी एरो N1 की तरफ नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग चेक करेंगे ना, तो N2 से N1 की जो वैल्यू है 1 है, मतलब यहाँ पे N1 से जो है N2 की तरफ एक एरो जा रहा है। फिर हम लोग N1 से N3 चेक करेंगे, तो वो भी यहाँ पे क्या है, 1 है, तो मतलब यहाँ पे N1 से N3 की तरफ भी एक एरो जा रहा है। फिर N1 से N4 अगर हम लोग चेक करेंगे तो 1 है, तो यहाँ पे सेम N1 से जो है N4 की तरफ भी एक एरो जाएगा। अभी हम लोग क्या चेक करना है N2 के लिए, तो N1 से N2 अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो यहाँ पे 0 है, तो ऐसा ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे भी 0 है। फिर N2 से N3 अगर हम लोग चेक करेंगे तो 1 है, मतलब N2 से हम लोग को N3 की तरफ जो है ना एक एरो यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर N2 से N4 अगर हम लोग चेक करेंगे तो वैल्यू कितना है, 1 है, तो N2 से N4 यहाँ पे 1 है, तो हम लोग को ये जो N2 से N4 की तरफ एक एरो जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्या चेक करना है कि N3 और N1 का चेक करना है, तो ये भी यहाँ पे 1 है, मतलब N3 से N1 की तरफ भी एक एरो जाएगा। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, N3 N2, तो ये तो 0 है, N3 ये भी 0 है, N3 और N4 ये हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 है, मतलब N3 से N4 की तरफ एक एरो जाएगा। फिर यहाँ पे ये तो 0 0 0, सिर्फ N4 का एक एरो है वो जो कि N4 पे ही जा रहा है, तो ये N4 पे रहेगा। तो ये हमारा जो है ना ग्राफ आया। अभी ग्राफ को यूज करके हम लोग जो है यहाँ पे अथॉरिटी और ये हमारा जो हब स्कोर है ना वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को एक चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि जो हमारा यहाँ पे किंग आउट दो यहाँ पे है ना, एक एरो कोई एक नोड है N1, तो इसके तरफ एक या तो एरो आ रही है या फिर यहाँ से जा रही है, तो हम लोग को टोटल वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले आउट डिग्री हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आउट डिग्री मतलब जो है एरो वहाँ से जा रही है, और इन डिग्री मतलब जो है एरो वहाँ पर आ रही है। तो हम लोग अगर चारों नोड की तरफ देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा नोड हो जाएगा N1 N2 N3 एंड देन N4। तो ये चारों नोड के लिए अगर हम लोग आउट डिग्री और इन डिग्री देखेंगे, तो N1 के लिए अगर हम लोग चेक करें तो N1 से कितने एरो जा रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आउट डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वहीं N1 की तरफ कितने एरो आ रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पे N3 का ही एक एरो आ रहा है, तो वो हो जाएगा इन डिग्री 1। अगर हम लोग N2 के लिए चेक करेंगे तो N2 से कितने एरो जा रहे हैं, 1 2 2 एरो जा रहे हैं, तो आउट डिग्री हो जाएगा हमारा 2। N2 की तरफ कितने एरो आ रहे हैं, 1 एरो आ रहा है N1 का, तो वो हो जाएगा 1। फिर N3 से कितने एरो जा रहे हैं, तो ये 1 2 2 एरो जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। N3 की तरफ कितने एरो आ रहे हैं, तो एक तो N2 का आ रहा है और ये N1 का, तो 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2। फिर N4 की बात करें तो N4 पे कितने एरो N4 से कितने एरो जा रहे हैं, सिर्फ एक ही जा रहा है वो भी खुद पे ही उसके, तो ये 1 हो जाएगा। और लोग N4 को देखेंगे तो N4 की तरफ कितने आ रहे, तो 1 ये 2 ये 3 और एक उसका खुद का, टोटल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन डिग्री जो है 4 हो जाएगा। और ये जो है ना हम लोग यहाँ पे इसको यूज करके हम लोग रैंक कैलकुलेट करने वाले, तो हमारा रैंक जो आएगा ना, पहले तो अथॉरिटी का आएगा, इन डिग्री का हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इन डिग्री का अगर आप लोग चेक करोगे तो सबसे पहले क्या आता है अथॉरिटी में, हमारा जो आएगा
एन फोर आएगा, एन फोर के बाद हमारा एन थ्री आएगा, और एन टू और एन वन दोनों सेम है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इन दोनों के बीच में टाई है। फिर अथॉरिटी के बाद हमारा जो है हब आएगा, तो हब में हमारा ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हमारा एन वन आएगा, फिर एन टू, एन थ्री, देन एन फोर, और एन टू और एन थ्री में टाई है तो हम लोग को वो मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे कि एन टू और एन थ्री में जो है टाई है। तो ये हमारा हब का रैंक आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्दर का प्रोसेस करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि हमारा जो एडजेसेंट मैट्रिक्स है ना, ये जो हमारा एडजेसेंट मैट्रिक्स है दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग को 0 1 1 1, ये 0 0 1 1 1 0 0 1, एंड देन 0 0 0 1, तो ये हमारा एडजेसेंट मैट्रिक्स है। तो इसका हम लोग को ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। सपोज ये मैट्रिक्स को मैं अगर ए कंसिडर करता हूँ तो हम लोग को इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज आई होप आपको पता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो। तो ये वाला रो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, 0 1 1 1 हो जाएगा, 0 0 1 1, 1 0 0 1, देन 0 0 0 1। तो ये ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। अभी ये मैट्रिक्स आने के बाद हमारा ये जो ए ट्रांसपोज आया, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जो इनिशियलाइज शुरू में जो है ना, हमारे हब को वन एज अ वन इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज हब जिसमें हमारा एन वन, एन टू, एन थ्री एंड देन एन फोर, ये सबको हम लोग वन से इनिशियलाइज करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अथॉरिटी स्कोर कैलकुलेट करेंगे, अथॉरिटी वेट ये कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है ए ट्रांसपोज इनटू जो हम लोग ने यहाँ पे इनिशियलाइज किया ना हमारे हब को, लाइक यहाँ पे उसको हम लोग यू से डिनोट कर देते हैं, यू इक्वल टू वन। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज वाला हमारे जो भी है 0 0 1 0, देन 1 0 0 0, 1 1 0 0, और लास्ट में 1 1 1 1। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है। अभी इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम लोगों ने सबको वन से इनिशियलाइज किया ना, ये हमारा हो जाएगा। तो जब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा 1 1 2 और 4। तो ये आंसर आया। तो ये जो है ना हमारा न्यू अथॉरिटी स्कोर है, ये जो है अथॉरिटी स्कोर है। अब इसी से हम लोग हब हब अपडेटेड हब स्कोर भी निकालेंगे। तो अपडेटेड हब स्कोर वो निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला, इसको हम लोग वी से डिनोट कर देते हैं, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है ए ट्रांसपोज इनटू वी, सॉरी मैट्रिक्स ए इनटू वी। तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा मैट्रिक्स ए जो गिवन था ना हम लोग को, लाइक 0 1 1 0 0 1 1, देन 1 0 0 1 एंड देन 0 0 0 1, तो इसको हम लोग को वी से मल्टीप्लाई करना है। वी हमारा क्या है, 1 1 2 4। जब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 7 6 5 4। तो ये जो है ना ये हमारा हो जाएगा अपडेटेड हब, जिसमें ये हमारा एन वन है, ये एन टू, एन थ्री एंड देन ये हमारा एन फोर हो जाएगा। तो ये इतना हम लोग ने किया। अभी हम लोग को इस पर आइट्रेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर के इक्वल टू वन के लिए पहले चेक करेंगे। तो के इक्वल टू वन के लिए अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे, तो हमारा जो नोड था उसके वैल्यू अभी चेंज हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे हमारा जो हब का स्कोर है, ये हमारा एन वन है, तो एन वन में हब का स्कोर हमारा कितना है, 7 है। और वहीं अथॉरिटी का स्कोर अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो हम लोग को 1 है। एन टू की बात करेंगे तो हब का स्कोर जो है 6 है, अथॉरिटी स्कोर जो है वो हमारा 1 है। एन थ्री की बात करेंगे तो हब का स्कोर जो है 5 है और अथॉरिटी स्कोर जो है 2 है। और एन फोर देखेंगे तो हब का स्कोर जो है यहाँ पे 4 है और अथॉरिटी स्कोर भी जो है हमारा 4 है। तो ये मिलने के बाद ये हमारा ग्राफ है, और ये ग्राफ का जो डायरेक्शन था हम लोग वो बना देते, लाइक यहाँ पे जो हम लोग ने अभी बनाया था ना, तो ये जो ग्राफ है इसको अगर हम लोग यहाँ पे लाइक यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा नोड हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हब स्कोर होगा और यहाँ पे होगा हमारा अथॉरिटी स्कोर। तो नोड हमारा क्या क्या है, एन वन, एन टू, एन थ्री देन एन फोर, और इसका हब स्कोर यहाँ पे क्या है, 7 6 5 4, और अथॉरिटी स्कोर है 1 1 2 4। तो इसको अगर हम लोग इसके हिसाब से रैंकिंग देंगे ना यहाँ पे, तो हमारे पास जो रैंक आएगा, रैंक हमारे पास क्या आएगा कि हब का जो है ना, हब में सबसे बड़ा तो यहाँ पे एन वन है, तो हो जाएगा एन वन
एन टू देन एन थ्री और एन फोर, ये तो हब का रैंकिंग हो गया। वहीं अगर हम लोग अथॉरिटी का रैंकिंग देखेंगे तो आएगा यहाँ पे एन फोर एन थ्री और एन टू और एन वन में क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वन है। तो ये तो हमारा न्यू अथॉरिटी, अपडेटेड अथॉरिटी और अपडेटेड हब हुआ, जिसका रैंकिंग अभी हम लोग को के इक्वल टू वन के लिए स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर के इक्वल टू वन, तो के इक्वल टू वन के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारा वी वन क्या आएगा, वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर प्लस वी थ्री का स्क्वायर प्लस वी फोर का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी वन हमारा कितना था, वन, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। तो इन सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 22 होता है। तो हमारा जो अब ये अथॉरिटी स्कोर था ना, वो यहाँ से हो जाएगा 1/√22, फिर 1/√22, ये हो जाएगा 2/√22 और ये हो जाएगा हमारा 4/√22। इसमें ये हमारा एन वन है, ये एन टू एन थ्री और ये हो जाएगा हमारा एन फोर। तो ये तो हम लोग ने अथॉरिटी के लिए किया, और इसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आएगा हमारा 0.213, 0.213, 0.426 एंड देन 0.853, जिसमें ये जो है एन वन का वैल्यू है, ये एन टू का वैल्यू है, ये एन थ्री का वैल्यू है और ये जो है वो एन फोर का वैल्यू है। इसके बाद जैसे हम लोगों ने अब अथॉरिटी के लिए किया, उसी तरीके से हम लोग को हब के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट न्यू हब वैल्यू फॉर के इक्वल टू वन। तो फॉर के इक्वल टू वन अगर हम लोग न्यू हब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यू के लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो भी हब का वैल्यू था लाइक 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो इन सभी को अगर हम लोग ऐड करते हैं ना, तो ये आएगा 126। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7/√126, 6/√126, ये हो जाएगा 5/√126 और ये हो जाएगा 4/√126। अब ये होने के बाद हमारा यू जो आएगा, वैल्यू आएगी हमारे पास 0.623, 0.535, 0.445 देन 0.356। अभी ये हमारा के इक्वल टू वन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी के इक्वल टू टू के लिए हम लोग अगर नोट लिखेंगे यहाँ पे, तो ये एन वन एन टू और इसके बाद जो है हमारा ये हो जाएगा एन थ्री और ये हो जाएगा एन फोर। तो ये एन वन, ये एन टू एन थ्री और इसको एन फोर देते हैं। तो यहाँ पे हब की जो वैल्यू हम लोग क्या आई है, हब की पहली वैल्यू जो आई है 0.623, वहीं अथॉरिटी की जो पहली वैल्यू हम लोग को आई थी वो आया था 0.213। यहाँ पे हब की जो दूसरी वैल्यू आई है वो क्या है, 0.535 और अथॉरिटी का पहला वैल्यू हम लोग को क्या आया था यहाँ पे 0.213 एन टू के लिए। यहाँ पे हब का जो वैल्यू है वो है 0.445, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप बड़ा सर्कल बनाना तो आपको आ जाएगा उसमें। अथॉरिटी का जो स्कोर है तो वो है यहाँ पे 0.426 और फिर बाद में यहाँ पे हब का स्कोर था 0.356 और अथॉरिटी का स्कोर था यहाँ पे 0.853। तो ये तो के इक्वल टू टू के लिए हुआ। अभी इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे रैंकिंग करेंगे, तो हमारा क्या आएगा कि हब की अगर हमारा रैंकिंग देखेंगे, और ये ग्राफ में यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ जैसा हम लोगों ने बनाया था। तो ये ग्राफ कैसा था कि एक एरो इधर, ये आप लोग देख के कर लेना पीछे से, ये यहाँ इधर ऐसा और एक ये खुद पे। अभी हम लोग हब की अगर रैंकिंग देखेंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो 6623 वाला फर्स्ट वाला ही आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए एन वन, देन हमारा हो जाएगा एन टू, देन एन थ्री और लास्ट में आएगा एन फोर। वहीं अगर हम लोग अथॉरिटी के लिए रैंक अगर हम लोग चेक करेंगे, तो इसमें हमारा जो रैंक क्या आएगा कि सबसे बड़ा तो पहले एन फोर है, एन फोर के बाद एन थ्री है, देन एन टू और एन वन में टाई है। तो ये तो हमारा हब का हो गया। अभी जैसे हम लोगों ने के इक्वल टू वन के लिए सारे वैल्यू कैलकुलेट किए ना, उसी तरीके से हम लोग के इक्वल टू टू के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो के इक्वल टू टू के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट अपडेटेड अथॉरिटी स्कोर,
ये बहुत ही थोड़ा लेंदी सम होने वाला है, तो आप लोग ट्राई करना कि एग्ज़ाम में अगर इसके सामने कोई और ऑप्शन होगा ना तो वो क्वेश्चन कर दो, इसको ट्राई करो कि अवॉइड करो। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.213, जो हमारा जो भी ऑसरेडी का स्कोर था उसका स्क्वायर हम लोग को निकालना पड़ेगा, 0.213 का स्क्वायर, फिर ये 0.426 का स्क्वायर, फिर 0.853 का स्क्वायर, तो ये सब का स्क्वायर करके अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग का आंसर आता है 0.9999, ऐसा आता है। तो इसी तरीके से हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 213/√0.99999, फिर 0.213/0.9999, फिर ये 0.426/0.999, फिर 0.853/0.999, ऐसा कुछ आएगा। और ये तो अप्रोक्सीमेटली बनी होगा ना, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा, 0.213, 0.213, 0.426 और 0.853, तो ये हम लोग को मिला। ये तो हम लोग को क्या मिला, अथॉरिटी का मिला है। इसी तरीके से हम लोग को हब का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हब को हम लोग ने यू से डिनोट किया था, तो उसके फॉर हब, हब के लिए हम लोग देख रहे हैं जिसमें k=2, और ये भी जो हम लोग देख रहे थे k=2 के लिए देख रहे थे। तो यू वन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.623 का स्क्वायर, फिर 0.535 का स्क्वायर, 0.445 का स्क्वायर, प्लस 0.357 का स्क्वायर। तो इन सबको भी अगर आप लोग ऐड करोगे ना तो आएगा 0.999, ऐसे ही आएगा, मतलब ये जो हमारा वैल्यू है ना वो सेम ही हमारा रिपीट होगा इसमें भी। तो ये होगा 0.445 और लास्ट में 0.357, क्योंकि इसको अगर रूट में लेके अगर मैं डिवाइड करता तो फिर से मुझे वही आंसर मिलेगा जैसे यहाँ पर मिला है। k=1 k=2 के लिए देख लिया, अभी हम लोग k=3 के लिए कर रहे हैं। तो k=3 के लिए हमारे पास नोड क्या होगा, सेम n1 n2 n3 देन n4, ये n1 हो जाएगा, n2 n3 और ये हो जाएगा n4। तो यहाँ पे हब की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हब की वैल्यू जो थी यहाँ पे 0.623 था, और यहाँ पे अथॉरिटी का वैल्यू जो था तो वो था यहाँ पे 0.213। सेम यहाँ पे हब की वैल्यू जो थी तो वो था 0.535, और अथॉरिटी का वैल्यू जो था तो वो था 0.213। यहाँ पे हब की वैल्यू जो थी तो वो यहाँ पे था 0.445, और अथॉरिटी की वैल्यू जो थी वो था 0.426। सेम यहाँ पे हब की वैल्यू जो थी तो वो थी यहाँ पे 0.853, और अथॉरिटी की वैल्यू जो थी वो था 0.356। और हम लोग को एक ग्राफ जो है वो बनाना पड़ेगा फिर से, जो हम लोगों ने बनाया था वो आप लोग देख के फिर से बना देना। तो वो कुछ इस तरीके से हमारा होगा, ये हमारा n4 था ना, हाँ ये होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा है ना ये हमारा नोड हो जाएगा, यहाँ पे हब होगा और यहाँ पे अथॉरिटी होगा। तो नोड हमारा क्या है, n1 n2 n3 एंड देन n4, हब की वैल्यू 0.623, 0.535, फिर 0.445, 0.356, अथॉरिटी की वैल्यू है 0.213, 0.213, 0.426, 0.356। तो यहाँ पे ये आया है, और इसका अगर हम लोग रैंक चेक करेंगे तो रैंक हमारा क्या आएगा, n1 n2 n3 देन n4, ये हब के लिए हुआ। इसी तरीके से हम लोग अथॉरिटी के लिए अगर रैंक चेक करेंगे तो आएगा n4, फिर आएगा हमारा n3, और फिर बाद में n2 और n1 के बीच में टाई होगा। तो इस पर अगर आप लोग फिर से सम निकाल कर एट्रेट करो तो आपको फिर से वही यही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, और ये जो है हमारा फाइनल अथॉरिटी स्कोर है। ये मालूम है ये बहुत ही लेंदी सम है, आप लोग ट्राई करना एग्ज़ाम में अवॉइड ही करो, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और कुछ ना कुछ आप ज़रूर मिस आउट कर जाओगे। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा, बहुत प्रैक्टिस क्लियर होगे तो ही ये क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं तो अगर ऑप्शन में कुछ और क्वेश्चन है तो उसको पहले देख लेना। होप जो मैंने ये सम कराया वो आपको समझा और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। अगर ये हेल्प करता है तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।